बहुत ही प्लेजेंट मौसम हो रहा है, सुबह सुबह एकदम मस्त वाला। अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रहा था, बस जब कल से बारिश हुई है उसके बाद से ही असर आया है। पर अब चांसेस हैं कि गर्मी और दबा कर पड़ेगी, क्योंकि होता है ना मेरे ख्याल, ये सुना है मतलब काफ़ी, और एक्सपीरियंस भी किया है, पर पूरा श्योरली याद नहीं है मेरे को, इसीलिए मैं पूरा कंफर्म करके नहीं कह रहा हूँ कि गर्मी बढ़ेगी। वैसे तो बढ़ेगी ही, आगे महीने बढ़ रहे हैं, अभी अभी बांधे थे फिर बांधने पड़ गए। थोड़ा अजीब ही सिस्टम है मेरे जूतों का, चाहे कोई से भी ले लूँ, कोई से भी, मेरे को इतना तो पता है, बार बार मेरे को बांधने पड़ते। तुम्हारे साथ भी होता है क्या ऐसे? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे साथ भी होता था, कि मुझे पता लगे कि मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ या फिर सही में मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। मतलब है ना यार, हर टाइम थोड़ी देर बाद जूते के लिए जी हो जाते, ऐसा थोड़ी होता है यार। बहुत अच्छा पुश वर्कआउट चल रहा है, 10 सेट हो गए हैं, हर एक सेट में 20 रेप्स करने हैं, 200 हो गए हैं, 300 का टारगेट है। लास्ट वाला दिखाऊंगा आज, मैं नहीं कर पाता हूँ। और आज हम कल की तरह दूर नहीं दौड़ेंगे, उसे कंप्लीट करके जाएंगे, चाहे रो दो क्या करें, लेकिन कंप्लीट ज़रूर करेंगे आज। 300 रेप्स तो हो गए हैं, 300 से ज़्यादा करने की कोशिश रहती है हमेशा, 16 सेट्स करने की रहती है, 16 सेट है ये, थक मैं चुका हूँ, खिंच नहीं रहे हैं फिर भी खींच रहे हैं, देखते हैं वाला कैसा लगता है, तो मैं भी दिखाते हैं कि आखिर में हालत कैसी हो जाती है, जबकि हमें करना चाहिए बजाय कि मिस करने के, जैसे कि मैंने कल कर दिया था। चलो ज़्यादा रेस्ट हो गया है बात करते करते, 16 सेट फॉर 20 रेप्स, हियर वी गो। ट्राइसेप पे एम्फसाइज करना नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप पहले ऐसे उठ जाते हो, ऐसे नहीं उठना, ट्राइसेप के बल पे ही उठना, ऐसे 11 12 13 14 उठा लिया, 15 16 थोड़ी सी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मेरी बैक पल्ली उठी हुई है जो कि नहीं उठी होनी चाहिए, 17 ये ठीक था, 18 ये भी ठीक था, 18 फेलियर पर पहुंच गया, ज्यादा देर वहीं रुक गया था ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही पड़ेगा, फॉर्म सही नहीं थी, पूरा ओवरऑल लास्ट सेट थोड़ी सी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज थी, लेकिन पंप आज ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है बजाय के और दिनों के, मतलब और दिनों से अच्छा जोर लगा है आज, उतने ही नंबर ऑफ़ सेट्स, उतने ही नंबर ऑफ़ रेप्स किए हैं, ज़्यादा क्वालिटी वाले तरीके से किए हैं, तभी थोड़ा और अच्छा फील हो रहा है, लेकिन अभी भी ना मतलब इनफ नहीं है, तो 320 ये कर लिए हैं, उसके बाद ट्राइसेप एक्सटेंशंस के साथ सोच रहा हूँ 5 एक्सप्लोसिव पुशअप, मतलब 5 एक्सप्लोसिव पुशअप्स और ट्राइसेप एक्सटेंशंस 10 बार, मतलब यानी 15 रेप्स 10 बार, और उसके बाद ट्राइसेप वर्कआउट आज का समाप्त। एक्सप्लोड नहीं किया जरा, पूरा कंप्लीट करने के बाद एक्सप्लोजिव तो नहीं हुआ, तुमने देख लिया था, ट्राइसेप एक्सटेंशंस फॉर 10 सेट्स बहुत अच्छे से किया है, एकदम स्क्वीज करके ताकि पूरा बढ़िया से फील हो सके ट्राइसेप को, कि हमने पीछे पुश किया था, उसके बाद नहीं पहले सॉरी पुशअप्स तो तुमने देख लिया था, तो काफ़ी अच्छा हुआ है, कल से बहुत बेटर हुआ है, कंप्लीट किया है हमने, यही हमारे को चाहिए भी था। ग्रीन टी शर्ट पहनेंगे आज हम, वैसे तो निक्कर मैंने लाल पहनी हुई है, पर निक्कर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो उसके बाद मेरी ना खींच रहा, मैंने अभी कपड़े नहीं पा रखे,
कि कौन खींच रहा है, मेरे ऊपर है कैमरे का फेस। हाँ, तेरा कोई पता नहीं सुनरती का। हाँ। डरते हैं पापा मेरे से, यानी ये पागल है ये आदमी, क्रैक हेड है ये, कुछ भी कर देगा एक दिन। है तो क्रैक हेड ही। मेरी खींच लेता फटाफट से, मुझे पता नहीं चलता। तो आप तो स्टार ऑफ द शो हो ना, मेरे को एक्सपोजर ना दे ज्यादा। मेरे को एक्सपोजर ना दे या मेरे को एक्सपोज ना कर ज्यादा। वो भी तो वही है, एक्सपोजर ना दे तो मतलब आपको कुछ बताना। एक्सपोजर जब नंगे का वो देगा एक्सपोजर, तो वही हो जाएगी चीज। और क्या होगा, नंगे नंगे के मेरी फोटो लेता रहेगा, वो एक्सपोजर नहीं दे रहा नंगे का। मैं कोई हीमैन हूँ क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डर हूँ, बुढ़ा बंदा, मेरी 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 खाल खींचने पे लग रखा हूँ। अच्छा मिल गया है आपको, और मिस्टर चौकीदार कहाँ है, उन्हें भी बहुत अच्छा हेडरूम मिल गया, वो तो गर्दन मोड़ के बैठा है भाई साहब। इतना साबुन की चिक्की तोड़ने को कही थी, पता नहीं किस कारण कही थी, पर तोड़ने को जरूर कही थी, तो वो तोड़ेंगे अब हम। टुकड़े तो हम कर देते हैं, लेकिन इनका काम क्या है मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा। मतलब है टुकड़े से तो क्या ही होगा, टुकड़े तो इसके बन भी नहीं रहे यार, चूरा बन गया है ये चूरा। टुकड़े कहाँ है इसके, देखो कि कैसी सी हालत हो गई है इसकी, मतलब है ना इसका क्या तो और बनेगा और क्या यूज हो सकता है। हाँ, किसी के बाल बोल पे प्रैंक खेलना हो तो यूज कर सकते हैं, मतलब यानी बॉटल में इसे डाल के फुसफुस वाली बॉटल में करके, फिर तो मैं समझ सकता हूँ कुछ। पर पापा ने कहा है मेरे को इसके टुकड़े करने थे, अब ये नहीं याद आ रहा किस लिए कहा था, आएंगे तो पूछ लेंगे। बाकी टुकड़े करके पेस्ट बना देता हूँ एकदम बढ़िया सा, ताकि गालियाँ ना पड़े दोबारा, नहीं तो हमेशा की तरह कहेंगे तेरे से इतना भी नहीं होता क्या। जैसे कि तुमने देखा था ना, मैंने कल तौलिया गिरा था और मैंने धो दिया था अपने आप से, क्योंकि गिरा तो किसी ने भी नहीं, हवा के थ्रू गिर गया वो, लेकिन दिख तो रहा है ना मुझे कि गिर गया है, तो उसे झाड़ के या फिर थोड़ा सा छल के रखा जा सकता है, और मैंने वही किया, और इसलिए आज भी मैं इसे कर रहा हूँ ताकि मैं गालियों से अपने आप को बचा सकूँ। गालियाँ तो नहीं खैर, मतलब वैसे ही एम्बेरसमेंट से है ना, कि इतनी बड़ी उम्र वाला बंदा, मतलब इतना बड़ा होकर भी तेरे से इतना छोटा काम नहीं होता जो मैंने दिया है, अब तुझसे ये नहीं होगा तो बड़े होके मेरा ध्यान कैसे रखेगा तू बगल होल सवरी के। तो मैंने फोन करके पूछा कि मखा आप क्यों इसे गार्निश करवा रहे हो मेरे से, तो जवाब आया कि बेवकूफ कपड़े धोने के काम आएगा, डिटर्जेंट वाला साबुन है तो कपड़े ही धोए जाएंगे ना इससे, अपने बाल तो धो नहीं सकता ना ही अपनी तो स्किन धो सकता है। बट बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो वैसे।